ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। इस सेशन के अंदर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत सारे जो मेरे विद्यार्थी और मेरे मित्र मुझसे पूछते हैं कि सर एकलव्य स्कूल क्या है या एकलव्य स्कूल कहाँ खोले जाएंगे और कब और कितने स्कूल खोले जाएंगे या फिर एकलव्य स्कूल भर्ती कब आएगी और कितने पदों पर ये भर्ती होगी या फिर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भी इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी या फिर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या 10वीं और 12वीं पास वाले भी अभ्यर्थी इस भर्ती को देख सकते हैं या फिर बीएड बीएसटीसी या जेपीटी या डीएड या डीएल या बीटीसी ने जो भी आपने शिक्षा संबंधित प्रोग्राम कर रखे हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार के आपके माइंड में जो भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकलव्य मॉडल आवासीय जो विद्यालय हैं, मैं थोड़े से शब्द में बता दूं कि ये एक केंद्रीय विद्यालय की ही तरह है, यानी ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगा। जिस तरह आपने देखा होगा कि भारत सरकार क्या करती है, समय समय पर शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे स्कीम लेके आती है। जिस तरह आपने सुना होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो केंद्रीय एक विद्यालय है, जिस तरह केंद्रीय विद्यालय संगठन केवी संचालित किया जा रहे हैं या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल संचालित किया जा रहे हैं या मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल या तिब्बती स्कूल या केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल, इस प्रकार की जो केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए या दुरुस्त या फिर पिछड़े जो इलाके हैं उनमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये समय समय पर क्या किया जाता है, स्कूलों का स्थापना की जाती है। तो पहली बात तो ये भी। अब बात आती है कि एकलव्य जो मॉडल आवासीय विद्यालय, ये बता दूं कि ये अनुसूचित जनजाति के जो इलाके उस इलाकों में खोले जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो इलाके हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग काफी, यहाँ का जो स्तर है साक्षरता का स्तर है वो काफी पिछड़ा हुआ है। और कुछ मैं बताऊं कि भी यहाँ शिक्षा का मूलभूत आवश्यक साधनों का अभाव होने की वजह से या इन्हीं के कारण की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में वो वंचित रहे हैं या फिर यहाँ के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति दयनीय होने के कारण यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और इसके लिए ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन का लेवल है वो स्टैंडर्ड करने के लिए या फिर यहाँ का शिक्षा का साक्षरता दर हाई करने के लिए ये स्कूल की ये लॉन्चिंग हुई है। अब ये जो हमारे जो प्रूफ है ये हमें कहाँ मिला, तो आपको मैं बताऊं कि हाल ही में जो बजट, केंद्रीय जो बजट हाल ही में जो फरवरी 2023 में हुआ था, तो इस बजट के अंदर मैं आपको एक प्रतिलिपि बता रहा हूँ कि इस बजट की जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार का जो गजट है या फिर जो प्रतियां हैं या पेज हैं, तो पेज नंबर 12 क्या पॉइंट नंबर 38, ये मैं एक ऑथोरिटिक प्रूफ दे रहा हूँ कि वहां पे आपको एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यहाँ पे दिया गया है और स्पष्ट किया गया है कि अगले 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे कितने 740 एकलव्य जो मॉडल आवासीय स्कूल के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त करेगा, ठीक है ना। तो ये जो बात लिखी हुई है ये भारत सरकार के केंद्रीय बजट 2023-24 वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये मैंने ऑथोरिटिक पेज लेके आया हूँ। अब ये बात आती है कि भाई सर ये स्कूल में कौन कौन से लोग एलिजिबल रहेंगे या कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन से व्यक्ति फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यह बताता हूँ कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्देश्य क्या है, यानी पर्पज क्या है गवर्नमेंट का। तो पर्पज देखिए क्या है, पहले ये अपन थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, इसके बाद में मैं आप पोस्ट बताता हूँ कि वन बाई वन कितनी पोस्ट किस फील्ड में, ठीक है ना, इसका क्राइटेरिया मैं सारा बता दूँ। तो देखो सबसे पहला उद्देश्य, जो बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं और ये अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट के हैं और उन क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्वक माध्यमिक और उच्च स्तरीय की शिक्षा प्रदान करना इनका मुख्य पर्पस है। इसके अलावा सभी बच्चों को उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को योग्य बनाना है इनका प्रमुख कारण उद्देश्य है। और यह सभी स्कूल बच्चों को सरकारी हो या सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों के नौकरियों को आरक्षण का लाभ
उठाने के सक्षम बनाने में मदद करेगा। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है एसटी, एसटी मैंने बता दिया ना, अनुसूचित जनजाति आबादी के बच्चों के लिए सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंचाना है। और इकलिवे जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो नामांकित सभी छात्रों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास करेगी। और इन स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए सीटों की संख्या क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और इसके अलावा हर कक्षा में अधिकतम 60 छात्र होंगे। और सबके मुख्य, सबसे जो मुख्य जो बात ये है कि इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए आपको सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा देनी होगी, तभी आपका चयन होगा। जिस तरह आपने देखा होगा नुद्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा देनी पड़ती है, उसी तरह केंद्रीय विद्यालय या स्वामी विवेकानंद मॉडल या मिलिट्री सैनिक स्कूल या तिब्बत सभी में देनी पड़ती है। तो इसी तरह सेमी ये फंडा है। अब एकलव्य जो स्कूल के अंदर दी जाने वाली शिक्षा पूरी तरह से क्या होगी, मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं लगेगी गवर्नमेंट। और उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9, 11 और 12 में विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी की तीन धाराओं के लिए प्रति वर्ग 3 खंड होंगे। और प्रत्येक खंड में अधिकतम स्वीकृत छात्र जो संख्या होगी वो 30 हो सकेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और प्रत्येक स्कूल में अधिकतम जो छात्रों की जो कैपेसिटी है वो 420 छात्रों की होगी। और इन छात्रों में दाखिल लेने वाले छात्रों की को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी और साथ साथ उन्हें मुफ्त भोजन और रहने की रहने आदि की व्यवस्था दी जाएगी। सेम ठीक है ना, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में है वैसे के वैसे। लेकिन क्या क्या सुविधा दी जाएगी अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की सुविधा क्या क्या है, तो देखिए विज्ञान यहाँ पे प्रयोगशाला, पुस्तकालय होगा, मनोरंजन कक्ष होगा, बीमार जो कमरा या फिर छात्रावास की सुविधा, या शिक्षकों, शिक्षा और सहायक कर्मचारियों के लिए भी आवास सुविधा, कंप्यूटर लैब होगी, भाषा कक्ष होगा यहाँ पे, भोजन करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा यहाँ पे, विश्वसनीय जल आपूर्ति होगी यहाँ से, और कार्यालय कक्ष और बारिश के मौसम की गतिविधियों के लिए मनोरंजन कमरा होगा यहाँ पे, भोजन के लिए रसोईघर, सुरक्षा केबिन, इसके अलावा कई सुविधाएं आपको प्रदान की जाएगी। अब आते हैं अपन टॉपिक पर, यानी ये नोटिफिकेशन आया और कितने पदों पर आया, और टीचिंग और नॉन टीचिंग जो पद हैं वो कितने स्कूलों के लिए हैं, और कौन सा पद कौन से लेवल का है, ठीक है ना, कौन सी एलिजिबल है यहाँ पे, तो ये सारी चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जिसमें कुल जो पद स्वीकृत हुए हैं वो हुए हैं 38,800। किस प्रकार के पद हैं, यहाँ टीचर वाले दे सकते हैं जिसके पास मैंने बताया था BSTC है या BEd है, JPT है, DEd है, या BTC है या DEd है, ये भी एलिजिबल है। लेकिन आप नॉन टीचिंग जो भी आपने जो प्रोग्राम कर रखे हैं, जैसे 10वीं 12वीं के बाद में जो भी आपने कर रखी है BA है, तो वो भी लोग एलिजिबल हैं। देखते हैं कैसे, कुल विद्यालय की संख्या कितनी है, तो ये भारत के अंदर 740 स्कूल होंगे। और वो एक स्कूल कहाँ होंगे, ये जो मैं बताऊँ, ये स्कूल होंगे ऐसे जो फील्ड को चूज किया गया है, जहाँ ऐसे गांव या फिर इस शहर को चूज किया गया है जहाँ पर 50% से अधिक आबादी जहाँ पे होती हैं अनुसूचित जनजाति की, वहाँ पर ये स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के 740 स्कूल इस रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। और अब अपन ये बात करते हैं पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट की कितनी जो पद हैं। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल 740 पद होंगे, वाइस प्रिंसिपल के भी 740 पद होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी 8,140 होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर कंप्यूटर साइंस के 740 और ट्रेनेड ग्रेजुएशन टीचर के भी 8,880 और आर्ट टीचर 740, म्यूजिक टीचर 740 और फिजिकल एजुकेशन टीचर जो 1,480, लाइब्रेरियन 740 और कुल मिलाकर 22,940 जो लोग हैं ये यहाँ के पद मैंने बता दिए कि इस प्रकार के जो पद होंगे। बाकी और बच गए तो नॉन टीचिंग के बच गए, जिसमें वार्डन या अकाउंटेड या फिर SSA या JSA या कुक या मेस भाई वाले, यहाँ की जो कुल पोस्टिंग होगी वो 15,860 यानी पोस्टिंग होगी। और कुल मिलाकर इन दोनों को मैं अगर जोड़ देता हूँ 22,940 और 15,860, तो कुल मिलाकर ये पोस्ट हो जाती हैं एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर 38,800 पद। ठीक है, अब मुख्य बिंदु मैं बात करूं कि भाई
ये घोषणा कब हुई थी और कौन से बजट में हुई थी और ये भर्ती कब आने वाली है, तो ये भी मैं इस बिंदु पर भी चर्चा कर लेता हूँ। तो मुख्य बिंदु देखिए, केंद्र सरकार के बजट मैंने बताए थे 2023 और 24 में 38,800 पद की भर्ती की घोषणा हुई और इसी संबंध में नियम जारी किए गए हैं। और अभी सिर्फ क्या हुआ है कि रूल आए हैं, अगले 3 साल में ये भर्ती होगी, आवेदन अभी शुरू नहीं हुए, ये भी आप दिमाग में रख लेना। और ये एग्जाम जो कराएगी नेशनल जो टेस्ट एजेंसी करवाएगी, ठीक है ना। और ये मैंने आपको जितनी भी सारी जो ऑथेंटिक जो बातें थी वो सारी की सारी मैंने बता दी। आई होप शायद आपके समझ में आया होगा, जहाँ तक मेरी सोच है। तो शायद अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।